पानसेमल में महाशिवरात्रि पर ग्राम बंधारा में मेला लगेगा। ग्राम पंचायत ने पुलिस और जनपद पंचायत को व्यवस्था करने की दी सूचना। नगर से 7 किलोमीटर दूर बंधारा में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाएगा। मेले को लेकर ग्राम पंचायत और ग्रामीणों के द्वारा पुलिस थाना प्रभारी और जनपद पंचायत सीईओ को सूचना देकर व्यवस्थाएं करने की मांग की है, जिसके बाद तहसीलदार राकेश सत्य और जनपद पंचायत सीईओ मुजालदे के द्वारा ग्राम बंधारा मेले स्थल का निरीक्षण कर मेला समिति और ग्रामीणों से मेले को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जिसमें मेले में आने वाले लोगों की संख्या कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन का पालन करना, बंधारेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था आदि को लेकर सरपंच और पुजारी से चर्चा की गई। पानसेमल से शरद चित्ते की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ओंकार दास बेहरा जी। क्या करते हो आप यहाँ? पुजारी। तो तहसीलदार साहब आए थे, काय के लिए आए थे आज? वो यही मेले का आयोजन हो रहा है तो उसके लिए निरीक्षण करने आए थे। वो कब से लग रहा मेला? मेला लगेगा 1 मार्च को महाशिवरात्रि है तो ये करीबन 28 तारीख से मेला चालू हो जाएगा। अच्छा, कितने दिन का मेला रहेगा? 3 दिन का मेला रहता है ये। आपका? साहेब राव ब्राह्मण है, ग्राम पंचायत अलखड़, सरपंच हूँ। सरपंच साहब, काय का आयोजन किया जा रहा है? ये शिवरात्रि मेला हर साल लगता है, उसके इस उपलक्ष्य में सब चल रहा काम। 8 दिन से सफाई और कलर लगाना, सब व्यवस्था, गांव की टीम सभी यहाँ पे जुड़े हैं। कब से लगेगा मेला? मेला 28 तारीख से 28 से 2 तारीख तक लगेगा, 3 दिन तक लगेगा। अच्छा, कितनी भीड़ आती है यहाँ? लगभग आ जाती 15,000 लगभग। क्या क्या व्यवस्था रहेंगी तुम्हारे पंचायत की तरफ से? व्यवस्था हमारे पानी की व्यवस्था रहेगी, देख रेख में, पूजा पाठ में जो है दर्शन उनको व्यवस्थित दर्शन कराने के लिए ये व्यवस्था रहती है हमारी पंचायत के हिसाब से। और बहुत सर, आप कल बंधारे का निरीक्षण किया? बंधारेश्वर महादेव मंदिर में एक मेले का आयोजन होता है, जिसका कि आवेदन प्राप्त हुआ था हमें कि 1 तारीख से 3 तारीख तक 3 दिवसीय मेले का आयोजन करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था। उसी के तारतम्य में तहसीलदार महोदय और मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण कर वहाँ की व्यवस्था देखने के लिए हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया। सर, कितनी पब्लिक आती है वहाँ? पब्लिक का स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 10,000 के करीब पब्लिक आने की संभावना बताई जा रही है। क्या व्यवस्था की जा रही है सर वहाँ पे? ट्रैफिक के लिए और दुकानें लगाने के लिए और यातायात के लिए सब व्यवस्थाएं की जाएंगी। इसी को लेकर निरीक्षण था आपने? इसी को लेकर जो दुकानें लगाई जाएंगी उसका भूमि का समतलीकरण है, उसकी उचित दूरी पे जो दुकानें लगे और थोड़ा सा आवागमन के सुचारू रूप से चलता रहे, इस उद्देश्य से उसकी देखरेख के लिए गए थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।